Olá! आप देख सकते हैं हमारे चारों ओर स्नो ही स्नो है। ये देखिए, हाँ हाँ, क्या बेहतरीन नजारा है। मैं दिखाती हूँ, ये वाला पहाड़ इधर ही है ना। देखो गाइस, वो जो आपको दिख रही है वो है कारगिल का पहाड़। सॉरी, तो खाली सेफ डर लगा रहे। ओ लोरे, ओ मियर मेडिस बना उतना वीडियो ही तो। लो, सूचना देनी है कि हम लोग वापस लौट रहे थे सोनमर्ग से और हमारी गाड़ी खराब हो गई है। और गाड़ी खराब भी क्या हुई है कि ब्रेक फेल, दूसरी गाड़ी में अपना सारा सामान उधर शिफ्ट करेंगे और उसमें उसको आने में भी टाइम है। तो हम लोग इतने सुनसान जगह में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो, पता नहीं आपको दिखेगी या नहीं। हम लोग सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, बच्चे सब भी वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। लोड हो रहा है बोट पे, सामान लोड हो रहा है। मिलते हैं बोट हाउस पे हम लोग, और आपको दिखाते हैं कि बोट हाउस पे करेंगे आज रात को। तो हम लोग पहुंच, जैसा कि बताया उन्होंने कि हम लोग श्रीनगर पहुंच चुके हैं। तो अब देखते हैं क्या 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 होता है। एक्साइटमेंट है थोड़ी सी, वैसे बहुत लेट हो चुके हैं और रात के बज रहे हैं अभी 10:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं अभी हम लोग। पानी को छू सकते हो? नहीं छूना है, छूने का मन कर रहा है, प्लीज नहीं। क्यों? तो गाइस हम लोग आ चुके हैं डल लेक और इसका नजारा आप देखिए कैसा है। शिकारा देखिए, हम लोग 8 बजे 9 बजे कितने बजे रहे हैं, 10:30 बजे रात में शिकारा कर रहे हैं। हम लोग को जाना है बोट हाउस, तो हम लोग इसके थ्रू जा रहे हैं और लगेज भी पीछे है और बाकी लोग पीछे से आ रहे हैं और मैं आपको बाहर। गाइस अब पहुंचने वाले हैं हम लोग अपने बोट हाउस की तरफ और ये आप देख रहे हैं ये लाइटिंग बाहर से
बहुत ही ट्रेडिशनल कश्मीरी लुक दे रहा है। अब अंदर कैसा होगा वो अंदर जाके ही मालूम चलेगा। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बोट हाउस की तरफ और आपको दिखाते हैं रूम्स, इसके रूम्स कैसे हैं। और मीन्स क्योंकि मैंने भी देखा नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो ये सब कुछ आपको दिखाती हूँ। इसको बगल पहले से डेकोरेट रहता है क्या? ये क्या सरप्राइज है, ये क्या सरप्राइज है। अरे तो चलिए गाइस अभी देखते हैं रूम और रूम कैसा है ये सब कुछ मैं और आप दोनों सब साथ में देखेंगे। तो ये है फर्स्ट रूम का व्यू जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं सबसे पहले बाथरूम की तरफ, बाथरूम कैसा है इसका। तो गाइस आपने देख लिया बाथरूम का व्यू कुछ ऐसा है और इसमें टब भी लगे हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। नेक्स्ट रूम भी सेम है जैसा एज इट इज़, जैसा मैंने फर्स्ट रूम देखा और वैसा ही सेकंड रूम है। अब चलते हैं मम्मी पापा के रूम की तरफ जो कि सेकंड वाले बोर्ड में है और इसका व्यू कुछ ऐसा है, बाहर से थोड़ा डिफरेंट है। और अंदर देखते हैं, अंदर थोड़ा सा स्पेसियस लग रहा है। एंड गाइस अब चलते हैं मम्मी पापा के रूम की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस है और अभी मैंने देख भी लिया एंड बाथरूम भी इसका बहुत बड़ा है। मुझे लगा ही नहीं उल्टा ये बलून सब किस लिए है, लगता है परमानेंट ऐसे ही जाता होगा। जब आगे वहाँ पे गिना तो थोड़ा इसको बिग सरप्राइज फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ एंड माय फैमिली एक्सप्रेशन लाइक दिस सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं। बलून पर इधर उठो, बलून क्यों लगा हुआ है यहाँ पे उसके जैसे जैसे उधर के हमने हाँ ये क्या है, ये क्या है ये दिन आज हम लोग हमको भी ऐसे लग रहा है। छोड़ दीजिए मेरा, मैं तुमको कैप्चर करेंगे चुपचाप रहो। मेरा बहुत ज्यादा खराब आ रहा है, अरे कैप्चर करेंगे। सुनो 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 ना, रात में कौन लगाता है शेड्स है? गाइस मेरे बर्थडे के दिन फर्स्ट फैन मिला वो भी कश्मीर में। दूसरा सबसे अच्छा चीज हम लोग को आइस मिल गया जो कि हम लोग को लगा कि हम लोग रुक जाए, लेकिन हम लोग फिर हम लोग यहाँ पे आए, रिग्रेट कर रहे थे वहाँ से क्यों आए यहाँ पे। और जब यहाँ आए तो वैसा लग रहा कि हम लोग को पूरा टाइम यहीं रुकना चाहिए था। बहुत 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 लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप लोग को भी लेना चाहिए, बहुत मस्त एक्सपीरियंस। क्या चपाती देखते हो गाइस ट्रेनर में क्या हुई। सब अरेंजमेंट करवाया हुआ इस इंसान का, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करवाया था, बहुत अच्छे से मतलब ऐसे।
मतलब लेयर पे लेयर चॉकलेट। तो ये केक है डेलाइस द फ्रेंच बेकरी का केक है जो कि बहुत ही डिलीशियस। गाइज आज हम लोग का लास्ट डे क्या मीन्स हम लोग निकल रहे हैं, रवाना हो रहे हैं बोट पे से। और मैं दिखा देती हूँ बाहर का नज़ारा। हेलो मस्ती हेलो गाइस। गाइस आप देख सकते हैं इधर का नज़ारा। वैसे हम लोग को टाइम नहीं मिली और हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा आप देख सकते हैं इधर। अरे देखो सामने येलो कलर का स्वेटर पहन के एक लड़की खड़ी है गेट पे। येलो कलर का स्वेटर पहन के एक लड़की खड़ी है, देखो स्वेटर येलो कलर का स्वेटर में बच्चा होगा साथ में। तो गाइज अभी की ताज़ा खबर ये है कि हम लोग की जो गाड़ी है उसकी टायर पंक्चर हो चुकी है और उसे अब चेंज किया जा रहा है। तो इसको चेंज करने में कितना टाइम लगता है, बस बहुत परेशान हो चुकी हूँ यार। इतना धूप है, इतनी धूप है, इतनी धूप है कि बता भी नहीं सकती। और टायर चेंज करते ही हम लोग जब फटाफट गाड़ी पकाएंगे निकले, क्योंकि हम लोग की ट्रेन की टाइमिंग भी है। और थोड़ा डर सा लग रहा है कि ट्रेन हम लोग का मतलब टाइमिंग इधर उधर मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड पर हम लोग ना पहुँचे। देखते आगे क्या होता है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली स्टेशन और अभी बज रहा है कितना, बज रहा है 3:45 हो रहे हैं। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, खाली खाली प्लेटफॉर्म, ठंडी ठंडी सी हवा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं आपसे घर पहुंच के। सो के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज प्रिया दी कुमार।